हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। जी सॉफ्ट आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आज कि किस तरह से हम जेस्पर रिपोर्ट पर एक स्लिप या फिर कोई इनवॉइस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने नेटबीन्स ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आपको अपना नया प्रोजेक्ट बता देता हूँ। बेसिकली वो एक सैलरी स्लिप मैनेजमेंट के ऊपर है। कोई कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी स्लिप जनरेट कराना हो, उसका मतलब वर्किंग डेज कितना हुआ, प्रेजेंट डेज कितना था, एब्सेंट कितना था, उसके अकॉर्डिंग उसका पे ऑफ, बेस सैलरी सैलरी सब बताए कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमको जनरेट करके देता है। तो उसके ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा डेट वेट डालने का है, उस पर क्लिक करूँगा बटन पे तो रिपोर्ट जनरेट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करना है। और यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर लेना है आपके ऊपर, वो न्यू और जावा पैकेज। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ रिपोर्ट, और फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लूँगा एम्प्टी रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम मैं आप जो देना चाहो आप दे सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम देने के बाद आपको करना है फिनिश। तो ये फिनिश होने के बाद थोड़ा सा समय लेगा रिपोर्ट ओपन होने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ से हम डिज़ाइनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। पेज फॉर्मेट पर जाके आप पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको साइज चाहिए। मुझे लैंडस्केप में चाहिए, और मैं इसकी या मैं पोर्ट्रेट में ले लेता हूँ, और मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से।
Like a Hellcat. Hellcat.